गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कबीर परमेश्वर जी ने आके स्वयं ही अपनी जानकारी हमें दी और बताया कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो। आप जी को तत्व ज्ञान ना होने से इस काल की व्यवस्था को ही हमने अंतिम मान लिया। यहाँ की व्यवस्था है जन्म और मृत्यु। जन्म और मृत्यु, संतानों उत्पत्ति, इनकी परवरिश कर देना, फिर बच्चों की विवाह शादी कर देना, फिर परमात्मा इनको संतान दे ये कामना करना, इनका रोजगार ठीक से ले ये प्रार्थना भगवान से करते रहना, और जब सब बच्चों की व्यवस्था हो जाए फिर हमारी बेसक्त मृत्यु हो जाए, हम ये सोचा करते हमारा काम पूरा हो गया। मनुष्य जीवन का हमने इतना ही कार्य कर्तव्य मान रखा था, या हमारी महाभूल थी। हमें इतना भी ज्ञान नहीं था कि परमात्मा ने जो भी मस्तिष्क में लिख दिया है, जिसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, और जो भी जिसका प्रारब्ध है वही सबको मिल रहा है और वही मिलना है। और फिर भी हम अपनी अटकलबाजी आवश्यकता से अधिक ही लगाते रहते हैं, क्योंकि हमें ये ज्ञान नहीं कि वास्तव में जो भी मिलना मिलाना है वो सबके प्रारब्ध में, किस्मत में पूर्व लिखा हुआ है। फिर भी हम ये सोचते रहे कि हमने जो किया है वही हो रहा है, हम ही कर रहे हैं, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव से, आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी ना होने से हम इतने दुखी रहे। आध्यात्मिक ज्ञान की न जानकारी होने से हमें ये भी नहीं पता चला कि जो प्रारब्ध में परिवर्तन कर सकता है परमात्मा वो कौन है। जो प्रारब्ध में परिवर्तन जो करेगा वही हमें सुख दे सकता है। यदि प्रारब्ध कर्मों में किसी के दुख लिखे हैं और पाप के कारण दुख होता है, उन पापों का दंड भोगना पड़ता है और वो भोग रहा है, तो हमें ये भी नहीं मालूम था कि इस संकट के निवारण करने वाला कौन परमात्मा है, क्योंकि प्रारब्ध में परिवर्तन होए बिना सुख नहीं हो सकता। यदि प्रारब्ध में दुख है, पाप कर्म के कारण आपको कष्ट है, और पुनों से आपको सुख प्राप्त है, तो पाप जब तक नहीं कटेंगे, यानी पाप कटेंगे तो प्रारब्ध में परिवर्तन होगा और तभी आप सुखी हो सकते हो। यदि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, ये अटल विधान है यहाँ के भगवान का, ब्रह्म का, और ब्रह्मा विष्णु महेश तक का, और परम अक्षर ब्रह्म तक का, नहीं अक्षर ब्रह्म तक का। परम अक्षर ब्रह्म एक शक्ति है, वो कबीर देव है, जो हमारे पाप कर्मों को काटता है, और पाप कर्मों के काटने से ही, समाप्त करने से
नाश करने से हमें सुख होता है। तो सुख हुआ तो प्रारब्ध में परिवर्तन हो गया। आज तक की जितना भी इन महापुरुषों का विधान सिद्धांत था, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शिव जी का जो ज्ञान है वो पुराणों के अंदर विद्यमान है। वेदों और गीता जी में जो ज्ञान है वो परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा दिया गया ज्ञान ब्रह्म को दिया गया, और ब्रह्म ने आगे वो ज्ञान फिर इस समाज में दिया है। ब्रह्म से ही फिर ब्रह्मा ने ये चारों वेद प्राप्त किए, और फिर उसी ब्रह्म ने काल ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके महाभारत के युद्ध के दौरान ये गीता का ज्ञान, वेदों का सारांश पुनः प्रदान किया। जो वेद और गीता का ज्ञान है ये आध्यात्मिक ज्ञान श्रेष्ठ है, ये गॉड गिवन है। और जो पुराणों का ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है या भागवत का ज्ञान है, ये किसी ऋषि, संत, महात्मा या ब्रह्मा विष्णु महेश जी का अपना अनुभव है। यदि पुराणों का ज्ञान या जो भी जिस किसी संत या ऋषि महर्षि का है वो वेदों से मेल नहीं खाता है तो वो गलत ज्ञान है, वो सही नहीं है, वो स्वीकार्य नहीं है। पुण्यात्माओं, ये वो सत्संग है जिसकी हमें बहुत पहले आवश्यकता थी, लेकिन दुर्भाग्यवश हम इसे नहीं प्राप्त कर सके और हम तक ये ना पहुंच पाया। इसका मुख्य कारण ये नकली गुरु काल के दूत थे जिनको महर्षि ब्राह्मण कहा करते थे। इनको सदग्रंथों का ज्ञान था नहीं, एक संस्कृत भाषा से ये परिचित थे। हमारे पूर्वजों ने यह सोच लिया कि ये बड़े विद्वान पुरुष हैं, संस्कृत भाषा के ज्ञाता हैं, और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे, और हम अशिक्षित थे जिस कारण से हमने कभी डाउट नहीं किया कि ये गलत बोल रहे हैं। परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर बताया था कि ये सब झूठे हैं, ये झूठा ज्ञान दे रहे हैं। जितने भी ऋषि महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश तक हैं, इनको कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, वेदों का ज्ञान नहीं। पुण्यात्माओं, ये ऐसी कटु सत्य है जो आज आपके गले उतर रही है। आज से 600 वर्ष पहले ये शब्द दास बोल रहा है, और ऐसे कहीं सामूहिक सत्संग और सभा में बोल दिया जाए तो जूते पड़े सिर में, और वो ही हमारे कबीर परमात्मा के साथ हुआ करता था। वो परमेश्वर 600 वर्ष पहले ये शब्द बोला करते थे, जो दास आज उन्हीं से प्राप्त ज्ञान को आज सरेआम स्पीकर लगा कर जगह जगह सब जगह बोला। एकाध सिर फेरे ने जिसने ज्ञान मानना है, निजिन की रोजी रोटी बंद हो गई थी, उन्होंने तो ऑब्जेक्शन किया क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी इस ज्ञान के ऊपर आने से और जनता का कल्याण होगा। नहीं, अन्यथा सभी शिक्षित समाज ने, सभ्य समाज ने इसको सहर्ष स्वीकार किया है, जिसका परिणाम चंद दिनों के अंदर लाखों लोग अनुयायी हो गए। तो ये शिक्षा का हमारे ऊपर उपकार है कि हम शिक्षित हुए, हमें अक्षर ज्ञान हुआ और सदग्रंथ हमारे पास है, उनसे प्रमाण हुआ, और फिर हमारे हृदय में कबीर भगवान हुआ। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। गुण तीनों की भक्ति में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीनों गुणों की भक्ति में ये भ्रम पड़ो संसार, और कहे कबीर निज नाम बिना फिर कैसे उतरो पार।
अब क्या बताया है, द्वंद उपाद में जीव बंधे समरथ की नहीं उपासा है। द्वंद उपाद में जीव बंधे और समर्थ की नहीं उपासा है, उपासा मीन पूजा। नेमी धर्मी धर्म धाम फेरे कर साध संगत को आसा है। दुख दूंद उपाद में जीव बंधे समर्थ की नहीं उपासा है। ये नेमी धर्मी धर्म धाम फेरे कर साधु संगत की आसा है। बगनी ठगनी को लूट लिए चीन्या नहीं निर्गुण रासा है। जल अर्घ दिया जम आन लिया जो नहाते जल बारा मासा है। सूजे नहीं संद अबंध विद्या ये पाती तोड़े नर घासा है। जम मारत है मुगदर मोटे चश्मों में देत धमासा है। चंचल चोर कठोर कुटिल के पैर मुलमुल खासा है। जम नगन करे साहेब की सू तुझे देगा बहुत तेरासा है। दिल खोज भैया निज नाम जपो सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। दिल खोज भैया निज नाम जपो सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। कह दास गरीब ये पत्थर पटको छोड़ो ये बोधी आसा है। कह दास गरीब पत्थर पक पटको तुम डारो तिरगुण पासा है। अब देखो आज आपको बताया था कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म जिंदा महात्मा के रूप में छुड़ानी गांव में जिला जज्जर हरियाणा में मिले थे। उनको सतलोक लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति से परिचित करवाया और गरीबदास जी को 10 वर्ष के बालक थे मृत जान लिया था। अंतिम संस्कार करने के लिए चिता पर रख दिया था। तब परमेश्वर कबीर जी ने उस आत्मा को वापस शरीर में भेजा और अपना गवाह बनाया। कितने दयालु है परमात्मा। इस समय के लिए सारे परमात्मा ने पहले भूमिका बनाई थी, ये ग्राउंड बनाए थे कि आने वाले समय में मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे और इनका छुटकारा हो जाएगा। पुणात्माओं, जो व्यक्ति कोई नशा किए हुए हो, वो चाहे कितने गंदे स्थान पर पड़ा हो। एक शराबी था और श्याम ने पी कर शराब और वो पड़ा जहाँ कुरड़ी होती है ना उसके पास पड़ा और माए पेशाब कर रहा कपड़े में, तो वो उठा उठू कर उसने ले गए। सुबह जब मौसम आया ना उसको बताया कि तू यहाँ पड़ा था रात ने, ने बोला सच मोचे है तेरा कि आज पाछे नहीं पीऊँ और शाम ने फिर पी ली। तो कहने का भाव ये है कि आज हम जो उतने गंद हम ऐसे स्थान पर पड़े हैं, हमारे ऊपर इस काल ने त्रिगुण इंजेक्शन ला के इन पर नशा बना रखे। त्रिगुणमयी माया का नशा हमारे ऊपर है। कबीर ये माया अटपटी और सब घट आने अड़ी और किस किस ने समझाऊँ या कुए भांग पड़ी। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को जाना देखा और उस परमेश्वर ने गरीबदास जी का ज्ञान योग ओपन कर दिया, खोल दिया, उनको दिव्य दृष्टि दे दी। उसके बाद आंखों देखा हुआ ज्ञान और परमेश्वर से प्राप्त वो तत्व ज्ञान कैसे बताया है
के दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे समरथ की नहीं उपासा है। दुख द्वंद में, द्वंद माने अंधाधुंध, देखम देखा भक्ति कर रहे हैं और उपाद है ये, यस भक्ति नहीं है, ये बकवाद है। कैसे, आपने देखा होगा माता का जागरण करें, हैं डांस करने लग जाए कि तो और फिल्मी गाने को तर्ज बना के गावे। पुणात्माओं, ये दास जो आपको परमात्मा की वाणी गा कर सुना रहा है, ये गा नहीं रहा, ये रो रहा है। ये गाना नहीं, ये रोना है। जहाँ तबले तुबले वाद्य सारंगी आ रहा और ये हारमोनियम वगैरह बांध के बकवाद करें, वो गाना होता है। ये तो भगवान, जैसे किसी का कोई भयंकर चोट लाग जाए, जैसे किसी का पुत्र मर जाता है तो अम्मा ही रोया करे, वह रोती भी है और गाती भी है, लेकिन वो गा नहीं रही, वो रो रही है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं गरीबदास साहिब जी, नेमी धर्मी धर्म धाम फेरे और करे साध संगत को हंसा है। ये नेमी धर्मी और धर्म धामों पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, कोई जैसे अमरनाथ पर जाते हैं, कोई हरिद्वार में कावड़ लेने जाते हैं, हैं और कहते हैं संत साधुओं की वो मजाक बनाते हैं, हंसी करें, ताकि ये सब इन्होंने सारी सब कुछ छोड़ दिया है, ना किधर तीर्थ पर जाते हैं, ना किसी मंदिर मूर्त की पूजा करते हैं, हमारी तासी करते हैं। और स्वयं ये दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे, जो दुख का मूल है वो साधनाएं कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं साधनाएं करते हैं, उनकी न तो गति होती है, न उनकी कोई सिद्धि होती है, और न ही उनको कोई सुख होता है, यूजलेस, व्यर्थ। फिर गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा को मत सुनना, जो सदग्रंथ बताएं वही मानना। अब सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र कबीर वाणी और पवित्र उन महापुरुषों की वाणी जिनको परमात्मा प्राप्त हुआ, उनमें से कौन कौन है दास की नोटिस में? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, जिनको सतपुरुष मिले हैं, स्वयं आकर मिले हैं बेई नदी के ऊपर और उनको सचखंड लेकर गए हैं, फिर उनको वापस छोड़ा, इसी तरह जैसे गरीबदास जी को लेकर गए थे फिर उनको छोड़ा। और गरीबदास जी ने इसका प्रमाण दिया है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सृजनहार, सबके सृजनहार वो कबीर परमेश्वर है, जो काशी में जुलाहा जाति में धानक जाति में प्रगट हुए थे, आए थे। तो क्या बताते हैं, नेमी धर्मी धर्म धाम फिरे। पुणात्मा, हम ज्यादा भावुक हैं, श्रद्धालु आत्माएं हैं, जब से ये दास इस परमेश्वर के चरणों में आया है सन 1988 से, उसके बाद कई ऐसी घटनाएं पेपरों में, समाचार पत्रों में, टेलीविजनों पर सुनने को मिली, देखने को मिली। एक बार अमरनाथ की यात्रा पर श्रद्धालु जा रहे थे, एक बर्फानी तूफान आया, बर्फानी तूफान आया, उसमें लगभग 1200 श्रद्धालु जो अमरनाथ के दर्शन करने जा थे, 1200 श्रद्धालु उसमें दबकर मर गए बर्फ में।
तो एक दो वर्ष के बाद फिर ऐसी घटना घटी जिसमें 1500 व्यक्ति दबकर मर गए, अमरनाथ जाने वाले। एक बार हरिद्वार के अंदर यानी ऋषिकेश में नीलकंठ पर घटना घटी, उस समय जिस समय ये कावड़ लेने गए हुए थे, कावड़िया नीलकंठ पर जाते हैं ज्यादा श्रद्धालु, जो बहुत उच्च एक मंदिर है जहां पर कहते हैं भगवान शिव का मंदिर है नीलकंठ, और उस नीलकंठ मंदिर के पास आस बहुत से श्रद्धालु रात्रि में यानी दिन में वह आसपास रहते हैं, बैठे रहते हैं, वहाँ विश्राम करते हैं, सुबह चलते हैं या कोई जैसे भी, वहाँ भीड़ लगी रहती है। तो क्या हुआ कि ऊपर पहाड़ था, मंदिर के साथ में बहुत ऊंचा पहाड़ है, उस पहाड़ का कुछ टुकड़ा पानी की स्कोरिंग होने ते वो कुछ टुकड़ा मिट्टी रहित हो गया, और बहुत बड़ा टुकड़ा था वो पत्थर का, सैकड़ों टन भारी, ऊपर से गिर गया। पहले तो नीलकंठ का सिर फोड़ा, वो मंदिर तोड़ा, और फिर वहाँ जितने श्रद्धालु वहाँ विश्राम कर रहे थे या घूम रहे थे, दर्शनार्थ खड़े थे, उनका कचूमर कर दिया, मर गए, मार डाले, कुचल दिए। फिर वो ऐसे रोलिंग रोलर की तरह गिरड़ के चल पड़ा, लुढ़कना शुरू हो गया, क्योंकि वहाँ ऐसे चढ़ाई है, ऐसे ऐसे चढ़ाई है, वो ऐसे ऐसे वो ऐसा जबरदस्त स्लोप है, उस स्लोप में चल पड़ा वो गिरड़ता हुआ, और जितने भी श्रद्धालु जा रहे थे उसी रास्ते से जा रहे थे, भरा हुआ जा रहा था वो रास्ता, और ऊपर से वो आ रहा था, और नो देखा सब नो यू आ गया, यू आ गया, भाजन का रास्ता नहीं, कहीं इधर उधर पहुंचे ऊंचे पहाड़ रास्ता, ऊपर जा नहीं सकते, जो भी उनके बीच में उसके नीचे आगे रोलर की तरह कुचल डाले, और पीछे नीचे वालों को जिन्होंने देखा कि पहाड़ टूट गया और गिरता ऐसे लुढ़कता हुआ आ रहा, वो पीछे भाग लिए। पता लगता गया भागते गए, पता लगता गया भागते गए, जितने उसके नीचे आ गए वो मारे गए। ऋषिकेश में एक ओवर ब्रिज है, फ्लोटिंग पुल है, जिसको लक्ष्मण झूला बोलते हैं शायद, उस वो भी उसमें भी श्रद्धालु जा रहे थे, वो भरा था कति पूरा का पूरा, और नीलकंठ के लिए जा रहे थे सुबह सुबह, उधर से लोग भागे आ रहे थे, और वो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है वो पुल लक्ष्मण झूला। तो उसमें क्या हुआ कि इधर से जाने वाले तो बाहर से जा रहे थे, उधर से भागे वापस आ रहे थे, उसमें प्रवेश हो गए, दोनों बीच में बैठ गए। सामने वापस भागे आ रहे थे वो कह रहे हैं कि पहाड़ टूट गया इसलिए भगदड़ मच रही है, पीछे वाला ने सुन लिया कि पुल टूट गया जिस पर हम खड़े हैं, अब कुछ तो रिहर्सल में मारे गए, कुछ आगे नवाजे, कुछ पीछे नर, वो नीचे बुढ़े बालक जो भी नीचे गिर गया उनके पैरों तले कुछ ले गए, सैकड़ों की संख्या में तो वहां मारे गए। कुछ एक ने कोई और विकल्प ना दिखा कि पुल टूट गया, सारे डूबेंगे दबेंगे, वो गंगा में कूद गए जान बचाने के लिए, और वहाँ गंगा इतने जबरदस्त बह है तो कोई इतना तरह को जान तो मारे दे, झोटे न तोड़ दे, वहाँ तो कुछ वहाँ मर गए। लगभग उसमें समय 2500 इन तमोगुण उपासक शिवजी के उपासक कावड़िया के मरने के समाचार आए थे। एक बार नैना देवी में बताऊँ है कि कितने मर गए थे, गिनती है कोई ना 250 से 300 थे, 1000 की संख्या में थे मनसा देवी में, और पुण्यात्माओं यहाँ क्या बताते हैं, नेमी धर्मी धर्म धाम फेरे कर साध संगत को हंसा है, द्वंद उपाद में जीव बंधे समरथ की नहीं उपासा है। फिर क्या बताते हैं, सूजय नहीं सिंध अबंध विद्या पाती तोड़े नर घासा है, जैसे तुलसी के पत्ते तोड़ दिए या तुलसी की पूजा करते हैं या भगवान शिव जी के
वो प्रकट आते हैं, किसी देव पूजा में प्रयोग करते हैं, तुलसी के पत्तों को जल में डालकर वो जल भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। कहते हैं इस घास फूस के इस प्रकार क्रियाओं से कुछ लाभ नहीं होगा। जम मारत है मुगदर मोटे चश्मो में देत धमासा है, इन क्रियाओं से कहते तुम्हारा कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा, यम के दूत कूटेंगे तुमने, बहुत बुरा हाल। चंचल चोर कठोर कुटिल क्या पैर मुलमुल खासा है, जम नग्न करे साहेब की सो देगा तुझ बहुत तेरा सा है। अब गरीबदास जी भगवान की कबीर साहेब की कसम खा कर कहते सौगंध साहेब की, आज तू के क्या अपला तून बना फिरे है, बुढ़िया कपड़े पहन कर भगवान भक्ति करनी को ना, और लंबी लंबी कार लेकर और परमात्मा को भूल गया तू। कहते हैं जम नग्न करे साहेब की सो, जो भक्ति नहीं करते और करते हैं तो वो नकली करते हैं, उनको कहते हैं जम नग्न करे, वह नंगा करके पीटेंगे तुमने। साहेब की सो तुम्हें देगा बहुत तिरासा है, तुम्हें बहुत दुखी करेगा। अपने आत्माओं इन महापुरुषों ने क्या आवश्यकता थी ये बातें कहने की, जैसे गरीबदास जी महाराज हैं ये किसान परिवार में जन्मे थे और इनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। 1400 एकड़ जमीन थी आज से 250 वर्ष थी 300 वर्ष पहले, और बहुत से लोग उनका नौकर रहा करते थे, खेतों में मजदूरी करते थे। ये सोचें कि गरीबदास जी ने किसी रोजी रोटी के लिए ये इतनी वाणी बोली होंगी दुनिया को ठगने के लिए, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि वह संपन्न परिवार में जन्मे थे। और वो ये कह रहे हैं कि जम नग्न करे साहेब की सो तुझे देगा बहुत तिरासा है। दिल खोज भैया निज नाम जपो सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। दिल खोज भैया और निज नाम जपो, सही मंत्र का जाप कीजिए। जैसे ये कितने मंत्र हैं गिनती नहीं, ये कोई भी मंत्र जाप करने का नहीं है, केवल वेदों में लिखा है, गीता जी में जो लिखा है वही मंत्र हमने जाप करने चाहिए, उससे अतिरिक्त कोई भी मंत्र आप जाप करते हो वो व्यर्थ है। या फिर सूक्ष्म वेद के अंदर जिन मंत्रों का विवरण है, सूक्ष्म वेद कौन सा है, परमेश्वर कबीर देव जी की अमर वाणी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, वो तत्व ज्ञान, उसके अंदर कंप्लीट भक्ति यानी संपूर्ण भक्ति विधि है। उसमें हमारे कमलों से लेकर मूल कमल से लेकर कंठ कमल, त्रिकुटी कमल और सहस्रार कमल तक के भी रास्ते साफ करने की तरीके हैं, यानी कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जिसको कहते हैं वो तत्व ज्ञान के अंदर। इसीलिए तो वेदों और गीता में ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस पूर्ण परमात्मा की सही जानकारी के लिए तो तत्वदर्शी संतों की खोज करो, वो बताएंगे। तो अन्य जो भी हम नाम जाप करते हैं, करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ओम नमः भगवते वासुदेव, या और भी जो भी मंत्र ये देते हैं, राधा स्वामी वाले देते हैं, ज्योत निरंजन ररंकार ओंकार ज्योत निरंजन और सोहम और सतनाम, ये इनके मंत्र हैं। इन सतनाम का ना पता, राधा स्वामी वाले ने सतनाम के सांग है, सतनाम वो सच्चा नाम है, अरे ये जाप कर दें सतनाम सतनाम सतनाम। सतनाम के अंदर दो अक्षर एक ओम एक तत्, ये दोनों मिलकर सतनाम बनता है। और ये ज्योत निरंजन ओंकार रंकार ये तीनों काल के मंत्र, और सतनाम को जाप पे को नहीं।
तो इस तरह के जो मंत्र हम जाप करते थे, नाम बिना बात बना नहीं, नाम से मोक्ष होगा। क्रियाएं अलग चीज़ हैं। जैसे क्रियाएं कौन सी हैं, जैसे हम पांचों यज्ञ आपसे करवाते हैं, पांच यज्ञ, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवीं यज्ञ है ज्ञान की, तत्व ज्ञान की। इन पांचों यज्ञ ये क्रियाएं, एक यज्ञ है धर्म की, जैसे आप जी दान करते हैं पैसे, उनसे सेट बनाए जाते हैं, मैट लाए जाते हैं, रजाई आपके लिए बनवाई जाती हैं, पंखे लगाए जाते हैं, बिजली की लाइट की व्यवस्था की जाती है, भोजन भंडारे का व्यवस्था की जाती है, ये धर्म यज्ञ है। और एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, आप जी को तत्व ज्ञान सुनाया जाता है, जितनी देर आप आश्रम में रहते हो आपका मेडिटेशन होता रहता है, हमारा सहज समाधि है, मालिक की याद बनी रहना, वो उसका ध्यान कहलाता है। और आप सत्संग में आने के लिए अपने कार्य की व्यवस्था तीन चार दिन हफ्ता पहले करना शुरू कर देते हो, वो भी आपका मेडिटेशन होता है, भगवान के लिए ही आप चिंतित होते हैं। और तीसरी यज्ञ हवन की, जैसे यहाँ पर देसी घी यानी गाय और भैंस के घी से ज्योति जलाई जाती है, यहाँ पर लगभग आज वर्तमान में 3 क्विंटल घी का हवन होगा 3 दिन में। और वो विधि कितनी सिंपल है, परमेश्वर ने बताई है, एक रुई की जोत बना लो, घी डाल दो, उसमें घी डालते रहो, ना कोई प्रदूषण बढ़े। जैसे हवन करते थे वो व्यक्ति पहले, ये ऋषि नकली साधनाएं करने वाले, 10 किलो घी अगर कहीं सवा करना होता, हवन करना होता, तो कम से कम 2 किलो लाकड़ी गिल सवा करें थे, उसका कार्बन डाइऑक्साइड साथ बने था। अब परमात्मा ने 100 ग्राम भी रुई ना लगती हमारी, और इसमें 3 क्विंटल हवन हो जाता है देसी घी का। तीजी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। तो ये जो ज्ञान है, जो ये यज्ञ है, जैसे कई व्यक्ति क्या करते हैं कि हवन करते हैं, कहीं पर भी चाहे उनको कोई खुशी होती है या कोई दुर्घटना या गम होती है, कोई दुख होता है, मृत्यु या जन्म होता है, या अन्य कोई सुख होता है, खुशी होती है, वो केवल हवन करते हैं। 10-20 व्यक्तियाँ बुला लेंगे और स्वाहा स्वाहा करके आधा घंटा अर्जाते रहे। अब उस हवन से, यानी एक यज्ञ है, यज्ञ को समझो आप, ग्लूकोस है, हमारे जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग है। और ये ग्लूकोस है, जैसे कोई दीर्घ रोगी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके ग्लूकोस चढ़ाता है, और ग्लूकोस के साथ साथ फिर रोग काटन की रोग नाशक औषधि अन्य होती है, कोई टेबलेट है, इंजेक्शन है, वो अलग से लगाए जाते हैं। पुणात्माओं, यदि कोई ग्लूकोस ही चढ़ाता रहे, रोगनाशक टेबलेट दे नहीं, तो वो डॉक्टर ठीक नहीं। ग्लूकोस से कोई लाभ नहीं होगा यदि रोगनाशक औषधि नहीं मिली। तो इसी तरह समझिए कि ये चारों जो पांचों यज्ञ हैं, ये तो ग्लूकोज है, और नाम जो है ये रोगनाशक औषधि है। तो यहाँ यही बताया है, दिल खोज भैया निज नाम जपो, सत कबीर पूर्ण ब्रह्म खुलासा है। कहते हो कति खोल कर बता देता हूँ कि वो सत माने अविनाशी, अविनाशी कबीर जो है ये पूर्ण ब्रह्म है, ये समझो मेरा खुलासा, यानी कति सार्वजनिक कर देता हूँ कि ये है वो परमात्मा। और निज नाम जपो, अब निज नाम जपे बिना बात बने नहीं। अच्छा, दूसरे शब्दों में आपको ये समझाना चाहते हैं कि जैसे हमने खेत बीजना है,
खेत में फसल बीजनी है तो उसमें क्या करते हैं, जैसे एक सिंचाई कर दी और बीज बोया नहीं, नाम को समझो बीज है और यज्ञ समझो सिंचाई है, खाद और पानी समझो जल समझो। यदि खाद और पानी ही डालते रहे और बीज बोया नहीं तो व्यर्थ है। बीज बो के जैसे हमने गेहूं प्राप्त करना है या आम का पौधा लगाना है, आम का पौधा बीज के उसका बीज बीज के और फिर उसमें सिंचाई करें विधिवत, तो वो प्रोसीजर है सही, उससे फिर वो पौधा बनेगा, फिर आम बनेगा, फिर फल देगा। इसी प्रकार ये सच्चा नाम जिनके पास नहीं है और अन्य नाम लेकर के वो साधना करते हैं और ये पांचों यज्ञ नहीं करते, पहले तो उनका बीज गलत, क्योंकि आम के स्थान पर बबूल बो रखी है, उन्हें बीज रखी है। आम समझो ये तीन मंत्र का नाम ओम तत् सत और बबूल समझो, इनको छोड़ देकर अन्य जो भी जाप हैं वो सभी बबूल हैं। और जैसे कोई सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जो साधनाएं कठिन तप करते हैं वो समझो भांग बो रहे हैं, वह भांग बीज रहे हैं, आम नहीं गेहूं नहीं बीज रखा उन्होंने, यानी सत साधना सतनाम सच्चा नाम नहीं है, सही मंत्र नहीं है, वो साधना करते हैं तो वो व्यर्थ है। अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा वाले देते हैं सिरसा वाले, उसी में से एक ब्रांच निकली है जगमालवाणी में, वो केवल एक ही नाम देते हैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, बस ये जपे जाओ। ये तो खिलौने दे रखे हैं आपको, खिलौने, आपका जीवन व्यर्थ किया जा रहा है। तो पुण्यात्माओं जब तक हम सत साधना नहीं करेंगे हमें वो उपलब्धि नहीं हो सकती जिसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। तो उसके लिए आप जी को परमात्मा ने अब कृपा की है, ये पूरा ज्ञान आपके सामने रूबरू करा दिया है, सभी सदग्रंथों में प्रमाण बताए हैं। अब आप जी को बताते हैं कि हम क्या साधना करते थे और परमात्मा ने उस भक्ति को मना किया हुआ है। परमात्मा ने कहा है कि गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की ही उतरा चावे पारे। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े ये बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे जा नहीं साध सतसंगा। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े हुए हैं और ये भादो नदी विहंगा, गरीब दास वे भवजल डूबे जिनको नहीं मिला साध सत्संगा, यानी जिनको परम संत नहीं मिले, वो ऐसी साधना कर रहे हैं जैसे कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं कि कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के बेड़ की रुद्रा चाव पार। एक जैसे भादो के समय भादो का महीना जो होता है उसमें वर्षा बहुत होया करती, अब तो कुछ कम होगी, पहले तो बहुत वर्षा होया करती, सामण भादो ने खड़े बरसा करते, और उसमें जो दरिया हैं वो लगभग तीन चार गुना विस्तार से भर के और फ्लो करके बह कर चला करती थी। अब परमात्मा कहते हैं आप जी ने उस दरिया को पार करना, भादो नदी, भादो वाली नदी को
बहादुर के अंदर दो, उसके अंदर पानी भरा होता है। और आपने साधन के अपना लिया, भेड़ की पूछ पकड़वा दी, किसी ने किया भेड़ तुझे इस दरिया से पार कर देगी, छोड़ियो मत। तो जो साधना हम कर रहे हैं तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की, और अन्य देवी देवता भैरव भूत बैतालों की, और ब्रह्म तक की, दुर्गा देवी की, ये साधना हम ऐसी कर रहे हैं, भेड़ की पूछ पकड़े बैठे हैं, और ये भव सागर से पार करेंगी, जन्म मरण से छुटकारा दिलाएंगे, और ये हमें सुख देंगे, ये तो डुबोएंगे तुमने, इनकी पूजाएं से तो तुम डूबोगे, हम डूबे ही पड़े हैं, 84 लाख योनियों में चले जाओगे, डूब गए। अपने आत्मा, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार, दुख दुंद उपाद में जीव बंदे समर्थ की नहीं उपासा है। अब इस परमात्मा की समर वाणी को सिद्ध करने के लिए के कबीर इस संसार ने समझाऊं कबार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा जा में पार, और समर्थ की उपासना करते नहीं। अब तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भक्ति में पूरा संसार भूला पड़ा है, इनसे मोक्ष नहीं हो सकता, ये तुम्हारे किसी भी कष्ट का निवारण नहीं कर सकते, आपके जैसे कर्म हैं वैसे ही आपको ये देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु जी और शिव जी, यानी विष्णु जी के अवतार आए श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण जी, भगवान विष्णु को श्राप दिया था नारद जी ने कि एक जीवन तू पत्नी के वियोग में अपना बितावेगा, तेरी दुर्गति रहेगी, और ऐसा ही हुआ, श्री रामचंद्र रूप में विष्णु जी का जन्म हुआ, राजा दशरथ के घर पर विवाह हुआ, विवाह से होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता जी का अपहरण हुआ, और एक घोर घमासान युद्ध करके करोड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जब सीता जी वापस लाए, संहार हुआ, आते ही घर से निकाल दिया गया, आजीवन श्री राम और सीता जी नहीं मिल सके, बाद में कई 1000 वर्षों तक रहे वो। जिस व्यक्ति के बच्चे जंगल में कहीं धक्के खा रहे हैं और वो राजा बना हुआ हो, क्या वो सुखी हो सकता है? सपने में भी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण जी वही श्री रामचंद्र वाली आत्मा, विष्णु वाली आत्मा श्री कृष्ण रूप में आए थे, राम रूप में श्री कृष्ण जी वाली आत्मा, विष्णु जी वाली आत्मा ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था धोखा देकर, एक वृक्ष की ओट लेके धोखे से मारा था, फिर उसका भी श्री कृष्ण जी रूप में बदला देना पड़ा। वो बाली वाली आत्मा तो एक शिकारी बना, और श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण रूप में जन्मे, और शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार के, विषाक्त तीर मार के उनका वध किया। परमात्मा कहते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, नारद जी का श्राप नहीं काट सके वे, अपना अपना नहीं काट सके, श्राप तो उरा कैसे काटेंगे, अपना कर्म नहीं, अब भी उन्होंने भोगना पड़ा विष्णु जी ने, श्री कृष्ण जी ने, तो अनुयायियों का वह कैसे दुख निवारण कर सकते हैं। तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना ये तुम्हारे तीर्णु तापम। ये प्रेत बाधा ये भी तीन तापों में आती है। प्रेत बाधा हुई थी किसको? युधिष्ठिर जी को, जब महाभारत के अंदर उन्होंने अनर्थ कर डाले थे, ना जाने कितने सैनिक मार दिए थे, उनकी विधवाएं हो गई थी, पत्नी अनाथ हो गए थे बालक, और युधिष्ठिर गद्दी पर विराजमान हुआ, उसको भयंकर स्वप्न आने लगे, प्रेत दिखाई देने लगे, किसी का सिर कटा हुआ है,
आंखें फट जाती थी, युधिष्ठिर की ऐसे देखता रहता था पागलों की तरह, खाना पीना छूट गया था। श्री कृष्ण जी से भी उनका समाधान नहीं हुआ। एक यज्ञ करवाई गई थी जिसमें एक शंख रख दिया था कि ये पंचानन शंख रखा था, पंचायन, जिसके पांच मुख थे, एक तरफ रख दिया था सुसज्जित स्टेज पर श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार, और कहा था कि सभी पृथ्वी के जितने महापुरुष महात्मा संत ऋषि महर्षि सबको आमंत्रित करो, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा साधु संत भक्त तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे उतने ही तुम्हारे पाप हल्के होंगे और जो बाधा तुम्हें हो रही है कर्म की वो खत्म होगी। सब ने भोजन खा लिया, शंख नहीं बजा, श्री कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया था, वो पांडवों का यज्ञ के अंदर शंख नहीं बजा, शंख नहीं बजा तो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई, यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई तो प्रेत बाधा उनके ऊपर आई, आपता नहीं टली। अब क्या बताते हैं, 33 कोटि यज्ञ में आए वशेष 88 सारे, द्वादश कोटि वेद के वक्ता सुपच का शंख बजारे। तैतीस करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ विप्र वेदों के वक्ता कंठस्थ याद कर रहे थे, चतुर्वेदी द्विवेदी त्रिवेदी, सब ने भोजन खा लिया, श्री कृष्ण जी ने भी भोजन कर लिया लेकिन शंख नहीं बजा। एक बाल्मीक नीचे कुल साधु जिन शंख पचायन पूरे नादु, और गिनो माया के पूता ब्रह्म जोगिनी सब ही दूता। कहते एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, द्वापर युग में कबीर परमेश्वर जी आए हुए थे करुणामय नाम से, और उनका एक शिष्य था सुपत सुदर्शन जो बाल्मीक जाति में जन्मा था। अब ये लंबी कहानी है तो हम, क्योंकि परमेश्वर करे करा व साइया मन में लहर उठा दादू से दर्जीव का वो आप बगल हो जाए, तो वहाँ कहते हैं उन पांडवों यज्ञ भी संपूर्ण उस सत भक्ति करने वाले सुपत सुदर्शन से हुई थी, उनका शंख बजा था और तब उनकी वो तीन ताप का कष्ट प्रेत बाधा दूर हुई थी युधिष्ठिर की। तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे नायति नू तापम। और आज वही जाप जो सुदर्शन जी जपा करते थे आज आप जी को सबको प्रदान किए जा रहे हैं। फिर आपका ऊपर प्रेत बाधा मांगे के आसपास भी नहीं रह गया आपके तो, और कर्म के जो संकट आने हैं आपके वो भी खत्म होंगे क्योंकि इस मंत्र प्रारब्ध के पापों को भी नाश करता है, और प्रारब्ध के पाप नाश होंगे तो आपके संकट दूर होंगे, आपके जीवन रूपी सफर में जितने भी काटे हैं परमात्मा साफ करेगा और फिर आप सुख में जीवन व्यतीत करोगे। लेकिन करेगा किनके, जो दृढ़ भक्त हो जाएंगे, वो जो आन उपासना करेंगे वो सच्चे भक्त नहीं है, उनको लाभ नहीं मिलेगा। एक जो मंत्र साधना ये दास आपको बताएगा इसको छोड़कर यदि आप कोई और साधना पैरेलल करते रहे आपको कोई लाभ नहीं होगा, सपने में भी नहीं सोचना। कारण अरुण के दुख दूर होंगे, आजीवन दुख दूर होंगे, आपकी पीढ़ियों तक के दुख दूर हो जाएंगे जो इस मार्ग पर लगे रहेंगे। किनके, जो दृढ़ भक्त होंगे। गीता जी में लिखा है 12वें अध्याय में कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं उन्हीं को परमात्मा की सभी उपलब्धियां होती हैं। व्यभिचारिणी कौन सी है, अव्यभिचारिणी कौन सी है? व्यभिचार उसको बोलते हैं जैसे कोई लड़की दुराचार करती है अपने पति को के पैरेलल अन्य भी किसी पुरुष के पास गमन करती है, वो व्यभिचारिणी लड़की है। और अव्यभिचारिणी अपने यानी पति भर्ता अपने पति को छोड़कर स्वप्न में भी किसी का जो है ना ध्यान नहीं करती, वो पति भर्ता होती है।
और उसी को फिर पति का पूरा लाभ मिलता है। अब क्या बताते हैं कि हमने पतिव्रता पद पर आना है, अभी तक हम व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे थे कि तब भैरों का घात जोड़ा थे, आप करियो दया, कि तब भूतां की पूजा करें थे, कि तब को बाबा गिरी फलाना उड़द मर रहा है उसकी मंडी ने पूजा करते हैं, कभी किसी न कभी कहीं, तो ये हम व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे थे। अपुणात्मा जैसे हम आप जी को जो साधना देते हैं वो इन कमलों के जो प्रधान हैं हमारे कमल बने हुए शरीर की रीढ़ की हड्डी के बैक साइड में, इन सभी भगवानों के मूल कमल में गणेश जी यानी गुदा के से ऊपर दो उंगल ऊपर रीढ़ की हड्डी के अंदर की साइड में मूल कमल है जिसमें गणेश जी का चैनल है। समझो गणेश जी का लोक तो इस ब्रह्मांड में कहीं और है, उसमें हो रही गतिविधि इस मूल कमल के अंदर दृष्टिगोचर होती है जिनका ये कमल ओपन हो जाता है, खुल जाता है। इससे ऊपर फिर ब्रह्मा जी का कमल है, सावित्री ब्रह्मा जी रहते हैं दो उंगल ऊपर अंदर की तरफ रीढ़ की हड्डी ये बैकबोन जो हमारी है इसके अंदर बैक अंदर की साइड में नीचे से दो उंगल फिर दो उंगल ऊपर वहाँ ब्रह्मा और सावित्री का कमल है। उसके बाद नाभि कमल ये सुंडी बोलना जिसने देसी भाषा में, इसके पीछे रीढ़ की हड्डी के चिपका हुआ ये एक कमल है जिसको नाभि कमल बोलते हैं, उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है। फिर हृदय कमल ये दोनों सतनों के यहाँ सामने इसके बैक साइड में रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ उसके चिपका हुआ एक कमल है जिसमें पार्वती और शिव जी का कमल है, यानी उनका यहाँ बैरियर है, ये बैरीगेट समझ लो बैरियर ला रखे। और फिर ये कंठ कमल यहाँ नहीं, ये पीछे इसके बैक में जहाँ रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी यहाँ बैंड होती है कुछ फैल जाती है, यहाँ पर ये दुर्गा का कमल है, अष्ट कमल दल बोलते हैं इसको, देवी का जो है ना चैनल है। इसके आगे फिर यहाँ त्रिकुटी यहाँ नहीं है, यहाँ बैक में है, यहाँ त्रिकुटी कमल है। और फिर ये सहस्रार कमल है, जैसे ये चोटी रक्षा करते हैं ना हिंदू रखते हैं, ये चोटी सब जो सहस्रार कमल का पहचान होती थी इसके नीचे है, इस खोपड़े से काफ़ी नीचे है, वो अलग से आंतड़ियाँ सी बनी है 1000 छोटी छोटी पत्तियों जैसे, वो जैसे ये टेप रिकॉर्डर देखा हो ना उसके अंदर छोटे छोटे टांके से ला रखे होते हैं, ऐसी व्यवस्था। तो हम आप जी को सबसे पहले, अब दास जो प्रमाण देने जा रहा है आपको ये भ्रम पैदा हो जाता है कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कति नहीं करनी चाहिए, और फिर दूसरी तरफ ये उन्हीं के मंत्र प्रारंभ दिए जाते हैं पुण्यात्माओं ये इनकी पूजा नहीं है, इनसे लाभ लेने का, इनसे हमने जो लाभ लेना है, इनका जो ऋण हमारे ऊपर है उसको उतारना है। अब हमने किसी का ऋण दे रखा है, लोन ले रखा है, तो हम उसका ऋण देंगे, आदर सत्कार उसका करेंगे, नमस्कार करेंगे तो खुश रहेगा, तो वो हमारा कोई शत्रु नहीं है। अब उसको जैसे हमने बैंक से लोन ले रखा है तो बैंक वाले फिर ना देंगे तो भाई घर पे भी आएंगे, नोटिस भी देंगे और फिर कोर्ट कार्रवाई भी करेंगे और नीलामी भी करेंगे, उनकी तो फिर मजबूरी है वो। इसी प्रकार इन भगवानों का हमारे ऊपर कर्जा है और इनकी मजदूरी करेंगे हम, पूजा नहीं करेंगे। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।